किसानों की समस्याओं, अतिवृष्टि, अमानक बीमारियों से क्षतिपूर्ण फसल का मुआवजा दिलाने के संबंध में भारतीय किसान यूनियन और क्षेत्रीय विधायक शिवदयाल बागरी के नेतृत्व में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर बड़ी संख्या में किसानों के साथ मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार गुनौर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि जो किसान भाइयों की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है, उनका तुरंत सर्वे कराकर किसान भाइयों का लगभग 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा राशि प्रदान की जाए और साथ ही जिन किसान भाइयों की कर्ज माफी बकाया रह गई है उनका भी 2,00,000 रुपए का कर्जा माफ किया जाए। इसी संबंध में 9 सूत्रीय मुख्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपकर शीघ्र पूरी करने की मांग की है। मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। पन्ना से चरणजीत बंजारा की रिपोर्ट। सर अब क्या अभी मेरे हिसाब से अभी नष्ट तो नहीं हुई है फसल जी, आर्थिक रूप से हो सकता है नुकसान हुई हो, हम इसका सर्वे कराएंगे और भेजेंगे शासन को, तो वहाँ से निर्णय लिया जाए तो उसकी चर्चा होगा। सर लगातार किसानों के माध्यम से पता चल रहा है कि पटवारियों के द्वारा गलत फसल चढ़ाने के कारण किसान परेशान है, सर इसमें क्या किया जाएगा? मैं उसके लिए ये हैं, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि सभी ने सही काम किया, लेकिन ज़्यादातर पटवारियों ने सही काम किया है। इसका रुकता है पटवारी जिन्होंने इनकी शिकायतें आ रही हैं, देखता हूँ पटवारी खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जिनकी फसल गलत चढ़ी है उनका हम जो है उन्हें जो है उसकी जाँच करा करके और तहसीलदार ना तहसीलदार के लागू से जो है मालूम है पूरे प्रदेश में और खासकर अपने ज़िले में सोयाबीन, उड़द, तिल, मूंग की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। सोयाबीन में कीटाणुओं की वजह से, अतिवर्षा की वजह से अपालन की स्थिति है। इसका मुआवजा जो आज मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जो हमारी कांग्रेस की सरकार थी, तो ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा मिलना चाहिए किसानों को। तो आज तो आप मुख्यमंत्री हैं, 40,000 हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर आप मुआवजा जो फसलें नुकसान हुई उनका दिलाया जाए। यदि आपकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आप क्या करेंगे फिर? मांगे नहीं पूरी होगी तो अभी तो ये सांकेतिक है, अभी हम लोग आगाह कर रहे हैं शासन को, नहीं तो पूरा किसान क्षेत्र का उग्र आंदोलन करेगा, सड़क पर उतरेगा, तमाम जैसे जिस तरह के आंदोलन से हमारी बात मानी जाएगी, प्रशासन और शासन तक पहुँचेगी, वहाँ तक हम उस हिसाब से पहुँचाएंगे शासन। ये ज्ञापन जो दिया गया है अपने किसान बंधुओं के कारण दिया गया है और किसान का बुरी तरह से क्षति हुई है। उर्दा, सोयाबीन, आपका तिली बुरी तरह से नष्ट हो चुकी है और हमारा शासन से प्रशासन से मांग है कि हमारे किसान भाइयों को मतलब मुआवजा दिलाया जाए। यदि आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? हमारी मांगें पूरी हो आंदोलन करेंगे और चक्का जाम होगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।